Hey guys, welcome back to my YouTube channel जिसका नाम है Eco Mera Desi और आज हम पढ़ेंगे second part of consumer behavior जो कि है ISC board class 12 का एक काफी ज्यादा important chapter। तो आज पढ़ते हैं second part of this chapter जहां पर हम पढ़ेंगे equi marginal utility जिसको हम two commodity case भी बोलते हैं। अब इसका question क्या आता है, explain consumer's equilibrium through cardinal utility approach इन टू कमोडिटी केस और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कल हम वन कमोडिटी केस ऑलरेडी कर चुके थे, जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ना मिले तो मैं उसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन। सो इक्वी मार्जिनल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह समझते हैं। अगर हम दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं और दोनों कमोडिटीज हमें बराबर का सेटिस्फैक्शन दे रही हैं, तो वो सिचुएशन क्या होती है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि दोनों कमोडिटी का अगर वर्थ बराबर है, वर्थ का मतलब कि हमने जितना प्राइस उन प्रोडक्ट्स पे खरीदा खर्च किया उतना ही हमें उस पर सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो वो वाली कंडीशन जो है वो हमारी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। दैट इज लास्ट यूनिट ऑफ द रुपी स्पेंड। दोनों प्रोडक्ट पे जब हमने पाई पाई पैसे की खर्च कर दी तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन देखने को मिला वो बराबर था, तो वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर इज स्टेटेड एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही एलोकेट्स हिज मनी इनकम इन सच अ वे दैट लास्ट यूनिट ऑफ रुपी स्पेंड। दोनों कमोडिटी पे जो लास्ट यूनिट रुपी का जो हमने स्पेंड किया उससे हमें क्या मिला, बराबर का सेटिस्फैक्शन, उसे हमने क्या बोला, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब आ जाते हैं इसके अजम्पशंस पे। तो हम अजम्पशंस याद रखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, विच इज एल डी एम यू। एल डी एम यू मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सी स्क्वायर फोर कॉन्स्टेंट, यानी दो चीजें सी से स्टार्ट होंगी और चार चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहला अजम्पशन आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल, यानी यूनिट कंज्यूम्ड बढ़ेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। कंज्यूमर समझदार है यानी काफी रैशनल है, कंटिन्यूअसली हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइस कमोडिटी का कॉन्स्टेंट रहेगा, मनी इनकम कंज्यूमर की कॉन्स्टेंट रहेगी। अभी मनी इनकम का मतलब क्या है, जो वो खर्चा कर रहा है किसी भी कमोडिटी पे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का वो कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, और वो भी थ्रू आउट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अब आ जाते हैं बच्चों की कंडीशंस पे। कंडीशन हम कैसे समझेंगे, हम कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी भी कमोडिटी का जो वर्थ निकालना है तो उसकी वर्थ क्या होगी, इट इज जो भी उसका प्राइस है एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस विच टेल्स द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। तो कंडीशन हमारी क्या है, हम दो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो दोनों कमोडिटी की वर्थ जब क्या है, दोनों कमोडिटी की वर्थ बराबर है। इसका मतलब एमयू एक्स अपॉन पी एक्स अगर बराबर है एमयू वाई अपॉन पी वाई के, यानी दोनों एक्स और वाई कमोडिटी की वर्थ बराबर है, और इन्हें खरीदने में हमने जो पैसा खर्च किया, मेरे पास सौ रुपए थे और सौ रुपए से मैंने दो कमोडिटी खरीदी जिससे मुझे बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, तो मैं इक्विलिब्रियम पर कहलाई जाऊंगी। इसका मतलब एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। नेक्स्ट आता है एमयू एक्स अपॉन पी एक्स अगर ज्यादा है एमयू वाई अपॉन पी वाई से, तो बच्चों कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ गुड एक्स से मिल रहा है। नेक्स्ट आता है अगर एमयू एक्स अपॉन पी एक्स कम है एमयू वाई अपॉन पी वाई से, तो कंज्यूमर अटेन्स मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड वर्क। और लास्ट कंडीशन कैसे आएगी वो समझ लो, अगर सपोज आपके पास है 100 रुपीस, एक कमोडिटी आती है 20 रुपए की और एक कमोडिटी आती है 40 रुपए की, तो आप मुझे बताओ अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो कितनी गुड्स, कितनी यूनिट्स एक्स की कंज्यूम करोगे, तीन, यानी कि आप तीन चीजें, यानी 20 रुपए का अगर एक लेस का पैकेट आता तो आप तीन लेस के पैकेट लोगे और एक कोल्ड ड्रिंक लोगे, यानी 23 16, 41 40 इक्वल्स 200। तो 20 क्या है प्राइस, 3 क्या है इसकी क्वांटिटी, प्लस 40 क्या है प्राइस ऑफ बाय कमोडिटी, 1 क्या है क्वांटिटी ऑफ बाय कमोडिटी, इक्वल्स टू 100 क्या है मनी इनकम। तो चौथी कंडीशन क्या आ गई, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई शुड बी इक्वल टू
मनी इनकम। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल पे, जहां हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्स कमोडिटी का प्राइस 1 रुपीज है, वाई कमोडिटी का प्राइस 2 रुपीज है। अब इस बेसिस पे हमें यहाँ पर कि मनी इनकम हम एंड में लिखेंगे, ठीक है ना, ये ट्रिक है, ये हम समझेंगे। अब हमने यहाँ पर यूनिट कंज्यूम को इंक्रीज करा 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेट हो रहा है, तो जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम बढ़ेगी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की भी फॉल होगी और वाई की भी फॉल होगी। तो एक्स की हमने वैल्यूज लिख दी 6, 5, 4, 3, 2, 1, MUI हमने लिख दिया 14, 12, 10, 8, 6, 4, ठीक है ना। अब हमें यहां पर निकालना है MUX अपॉन PX, तो कैसे निकलेगा, MUX इज 6, 6 अपॉन 1 इज 6, देन 5 इज MUX, 5 अपॉन 1 इज 5, सेम 4 अपॉन 1 इज 4, 3 अपॉन 1 इज 3, 2 अपॉन 1 इज 2 एंड 1 अपॉन 1 इज 1। नेक्स्ट आ जाते हैं MUY अपॉन PY पे, 14 अपॉन 2 इज 7, 12 अपॉन 2 इज 6, 10 अपॉन 2 इज 5, देन 4, 3, 2 हमने डिवाइड कर दिया एंड वी गेट द वैल्यूज। अब हमें देखना है कि इन दोनों कॉलम्स में सेम सेम नंबर्स कौन से हैं। इस कॉलम में भी 6 आता है, यहाँ पर भी 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2। हमने दोनों कॉलम्स में सेम नंबर्स देखे और उन पे हमने सर्कल बना दिया। अब हमारी बारी आती है फोर्थ कंडीशन की, जो कि है PX QX plus PY QY equals to money income। अब हमें पता है X कमोडिटी का प्राइस जो है वो 1 रुपीज है, Y का 2 है, ठीक। अब हमें देखना है कि वो कितनी यूनिट्स X की और Y, X और Y की कंज्यूम करता है जब उसे दोनों कमोडिटी से बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जब उसे X कमोडिटी से 6 का सेटिस्फेक्शन मिला तो उसने X की कितनी यूनिट कंज्यूम करी, 1। सेम अगर उसे Y से 6 का सेटिस्फेक्शन मिला तो उसने Y के उस टाइम पर कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी थी, 2। तो 1 1s are 1, 2 2s are 4, 1 plus 2, 1 plus 4 equals to 5। नेक्स्ट, जब उसने 5 का सेटिस्फेक्शन X से मिला तो वो कितनी X की यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, 2। और उसे 5 का सेटिस्फेक्शन जब Y से मिला तो वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, 3। इस तरीके से हमने सबका फॉर्म कर दिया वैल्यू। 4 पर कंज्यूमर 3 यूनिट्स X की कंज्यूम कर रहा, 4 के सेटिस्फेक्शन पे वो 4 यूनिट्स Y की कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमने नंबर्स फॉर्म कर दिए, इनको हमने जब ऐड करा मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू आई 5, 8, 11, 14 एंड 17। इनमें से किसी भी एक रैंडम वैल्यू को आप अपनी मनी इनकम मान सकते हो। मैंने यहाँ मनी इनकम मान लिया 11, दैट 11 इज माय मनी इनकम। तो अ कंज्यूमर विद 11 रुपीज ऑफ मनी इनकम विल बी स्टेटेड एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई। तो ये हमारा एक आंसर है, फुल फ्लेज्ड आंसर। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड इसके बाद भी हमारे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, जो कि मैं आने वाली आपके वीडियोस में डालती रहूंगी वो वीडियोस। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर इन केस आपको इजी नोट्स हर चैप्टर के चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम भी इको मेरा देसी है। तो अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, टेक केयर गाइस, बाय।